आज हम मॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे कि मॉस्फेट होता क्या है और कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं मॉस्फेट क्या होता है। पहले तो देखेंगे कि व्हाट इज मॉस्फेट, टाइप ऑफ मॉस्फेट, बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, सेलेक्शन ऑफ मॉस्फेट, एप्लीकेशन सर्किट ऑफ मॉस्फेट, वर्स्ट केस कैलकुलेशन ऑफ मॉस्फेट। मॉस्फेट इज अ फोर टर्मिनल डिवाइस विथ सोर्स, गेट, ड्रेन एंड बॉडी। मॉस्फेट में चार टर्मिनल होते हैं, जो गेट होता है, ड्रेन होता है, बॉडी होता है। द बॉडी ऑफ द मॉस्फेट इज फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल। जो बॉडी होता है वो सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, सो मेकिंग इट ए थ्री टर्मिनल डिवाइस लाइक अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉस्फेट एक तरीके से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही होता है। व्हेन द वोल्टेज डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ द डिवाइस, वेयर जहाँ की वोल्टेज निश्चित करता है कि उस डिवाइस में कंडक्टिविटी क्या होगी। अब यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, सोर्स, फिर गेट और फिर ड्रेन। और तो ये एन टाइप मटेरियल का एक पिक्चर बना हुआ है, एन टाइप मॉस्फेट, जिसमें कि पी टाइप का मटेरियल है। सोर्स, गेट, ड्रेन तीन टर्मिनल हैं इसके। बॉडी को भी एक टर्मिनल काउंट किया जाता है। अब देखते हैं मॉस्फेट कितने तरीके के होते हैं। मॉस्फेट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो इन्हांसमेंट टाइप, दूसरा डिप्लेशन टाइप। इन्हांसमेंट में भी अगेन दो तरीके के होते हैं, एक पी मॉस्फेट, एक एन मॉस्फेट। डिप्लेशन टाइप में भी पी मॉस्फेट और एन मॉस्फेट होता है। इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट होता क्या है? इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट में नॉर्मली डिवाइस ऑफ मोड में रहता है। ये पहले तो ऑफ रहेगा, जब इसका VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो होता है। इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये यहाँ पे इसका स्क्रीन है, ये सिंबल दिया हुआ है, जो कि ये गेट, सोर्स, बॉडी और ड्रेन। इन्हांसमेंट मॉस्फेट कैसे काम करता है? इनिशियली द कंडीशन चैनल बिटवीन सोर्स टू ड्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन चैनल। स्टार्टिंग में इसमें कोई भी चैनल नहीं होता है। चैनल मतलब आप इसके बीच में कोई एंड टू एंड कोई चैनल नहीं देखोगे। व्हेन अ वोल्टेज अप्लाइड एट गेट टर्मिनल, जब हम गेट टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि VGS इज ग्रेटर देन VTH। गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो, चैनल इज फॉर्म बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तो यहाँ पे एक चैनल फॉर्म होता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। आपको बताएंगे कि VTH क्या होता है। VTH होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होता है जो एक लिमिटेड अमाउंट का वोल्टेज होता है, जिससे कि हम जब ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तभी हमारा मॉस्फेट कंडक्ट करता है। ये है इन्हांसमेंट टाइप में। डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, इनिशियली द कंडक्शन चैनल बिटवीन सोर्स टू ड्रेन इज प्रेजेंट इन डिप्लेशन लेयर। इसमें ऑलरेडी एक लेयर प्रेजेंट होता है और नॉर्मली ये ऑन होता है। इन्हांसमेंट में क्या था, वो ऑफ होता था। इसमें क्या है, नॉर्मली ये ऑन है। VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट पे यहाँ पे अभी हमने कोई सप्लाई अप्लाई नहीं किया है तो भी 0 है। व्हेन वोल्टेज अप्लाई टू द गेट टर्मिनल, VGS इज ग्रेटर देन 0 वोल्टेज, द विड्थ ऑफ चैनल इज इंक्रीज। जब यहाँ पे हम 0 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई देते हैं तो विड्थ इंक्रीज होता है। व्हेन VGS इज लेस देन थ्रेशोल्ड, द चैनल गेट डिप्लेटेड एंड द मॉस्फेट स्टॉप कंडक्टिंग एंड टर्न ऑफ। तो यहाँ पे हमको इसको ऑफ करने के लिए VGS को थ्रेशोल्ड से कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इन्हांसमेंट और डिप्लेशन मॉस्फेट में क्या डिफरेंस है।
MOSFET are tri-terminal unipolar voltage controlled high input impedance device. अब यहाँ पे हम समराइज करेंगे कि इन्हांसमेंट टाइप और डिप्लेशन टाइप में क्या फ़र्क होता है। तो करंट फ्लो फॉर्म ड्रेन टू सोर्स एन मॉसफेट में, पी मॉसफेट में सोर्स टू ड्रेन, ये इन्हांसमेंट की कैटेगरी है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिव चैनल एग्जिस्ट एट VGS इजकल टू जीरो, नहीं, नो। कंडक्टिव ऑफ चैनल इंक्रीज विथ इंक्रीज गेट टू सोर्स वोल्टेज, इन डिक्रीज गेट टू सोर्स वोल्टेज पी मॉसफेट में। गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव, पी मॉसफेट में निगेटिव। कंडक्टिव चैनल इज कट ऑफ व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन द वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, वैसे ही डिप्लेशन मोड के लिए भी डिफरेंस दिए हुए हैं। करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, करंट कंडक्टिव चैनल एग्जिस्ट एट VGS इक्वल टू जीरो, यस यस। कंडक्टिव ऑफ चैनल इंक्रीज विथ इंक्रीज गेट टू सोर्स वोल्टेज डिक्रीज गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। कंडक्टिव चैनल इज कट ऑफ व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, ये समराइज यहाँ पे किया है ये डिफरेंट टाइप के मॉसफेट को। अब हम देखेंगे, मोस्टली हम एन टाइप मॉसफेट ही यूज करते हैं, पी टाइप मॉसफेट बहुत कम यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मॉसफेट आर द इन्हांसमेंट टाइप। एन मॉसफेट, एन मॉसफेट इज डिवाइस वेयर हुज ड्रेन एंड सोर्स आर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सब्सट्रेट इज पी टाइप। यहाँ पे देखेंगे इनके सोर्स और ड्रेन एन टाइप है और सब्सट्रेट पी टाइप है। व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VT TH, गेट इज पॉजिटिवली चार्ज, देन द इलेक्ट्रॉनिक माइनस वी फ्रॉम सब्सट्रेट एक्यूमुलेट नियर द गेट टर्मिनल एंड एन चैनल करेंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो जब यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज का एक लेयर बनने लगता है, जिससे सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो होने लगता है। ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट, मॉसफेट में ऑपरेशन क्या है, कैसे होता है? तो यहाँ पे एक ग्राफ से बताया गया है कि ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट क्या होता है। यहाँ पे इसके कुछ रीजन होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन इज ए रीजन इन विच द मॉसफेट विल बी ऑफ एज देयर विल बी नो करेंट फ्लो थ्रू इट। इन दिस रीजन मॉसफेट वी हैव लाइक अ ओपन स्विच। तो एक कट ऑफ रीजन होता है, कट ऑफ रीजन में क्या क्या बोल रहा है कि ये ऑफ होता है। दूसरा होता है ओहमिक और लीनियर रीजन। ओहमिक और लीनियर रीजन इज ए रीजन वेयर इन द करेंट IDS इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ VDS। जब VDS को बढ़ाते जाते हैं तो IDS करंट भी बढ़ता जाता है। मॉसफेट आर मेड टू ऑपरेट इन दिस रीजन, दे कैन बी यूज एज ए एम्पलीफायर। इस रीजन में मॉसफेट का जो वर्क करने का तरीका होता है वो एज ए एम्पलीफायर होता है। आपने सुना होगा कि हम इसको एक एज एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं। सेचुरेशन रीजन, मॉसफेट हैव देयर IDS कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन VDS एंड अकर्स वंस VDS एक्सीड द वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ। अंडर दिस कंडीशन द डिवाइस विल एक्ट लाइक अ क्लोज स्विच थ्रू विच ए सेचुरेटेड वैल्यू ऑफ IDS फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व्स ऑफ एन मॉसफेट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मॉसफेट का क्या होता है? वंस VGS अक्रॉस VT द करंट थ्रू द डिवाइस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन IDS इनिशियली एंड देन सेचुरेट टू अ वैल्यू एज डिटरमाइंड बाई VGS। एज VGS इंक्रीज इवन द सेचुरेशन करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस ऑल्सो इंक्रीज। IDSS 2 इज ग्रेटर देन IDSS 1 एज VGS 2 इज ग्रेटर देन VGS 1। IDS 3 इज ग्रेटर देन IDSS 2
एज वी जी एस थ्री इज ग्रेटर देन वी जी एस टू सो ऑन लोकस ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज फ्रॉम विच वी पी इज सीन टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वी जी एस. नाउ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एन मॉस्फेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मॉस्फेट मॉस्फेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज द प्लॉट बिटवीन ड्रेन करंट वर्सेज गेट टू सोर्स करंट वोल्टेज फॉर सेवरल गेट टू सोर्स वोल्टेज. दिस प्लॉट शो द गेट वोल्टेज एट विच मॉस्फेट स्टार्ट कंडक्टिंग द गेट वोल्टेज इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पी मॉस्फेट मॉस्फेट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द प्लॉट बिटवीन द ड्रेन करंट वर्सेस ड्रेन सोर्स वोल्टेज फॉर सेवरल गेट टू सोर्स वोल्टेज. पी टाइप इन्हांसमेंट मॉस्फेट फ्रॉम विच इट इज एविडेंट दैट वी आई डी एस रिमेन्स जीरो अंटिल वी जी एस बिकम इक्वल टू माइनस वी टी. आई डी एस इज सीन टू इंक्रीज इन इनवर्स डायरेक्शन सिग्निफाइंग एज इंक्रीज इन डिवाइस करंट विच विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वी डी एस. वी डी एस बिकम इक्वल टू वी पी द डिवाइस इंटर इन टू द सेचुरेशन ड्यूरिंग विच अ सेचुरेटेड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस एज डिसाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ वी जी एस पिंच ऑफ वोल्टेज. इट इज ऑल्सो क्लियर दैट एज वी जी एस बिकम मोर एंड मोर निगेटिव इवन द निगेटिव ऑफ वी पी ऑल्सो इंक्रीज. नाउ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पी मॉस्फेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी मॉस्फेट मॉस्फेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉट बिटवीन ड्रेन करंट एंड वर्सेज गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर सेवरल गेट टू सोर्स वोल्टेज. दिस प्लॉट शो गेट वोल्टेज एट विच मॉस्फेट स्टार्ट कंडक्टिंग. दिस गेट वोल्टेज इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज निगेटिव इन पी मॉस्फेट. नाउ नेक्स्ट सेलेक्शन ऑफ मॉस्फेट हाउ वी सेलेक्ट द मॉस्फेट. सो वी नीड दिस पैरामीटर रिवर्स डायोड कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एवलांस कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम ट्रांजिएंट थर्मल इम्पीडेंस कैपेसिटेंस नाउ ड्रेन करंट पावर डिसिपेशन ड्रेन सोर्स ऑन स्टेट रेजिस्टेंस गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्रेन सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज गेट चार्ज स्विचिंग टाइम्स लीकेज करंट फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस सेफ ऑपरेटिंग एरिया. सो दीज आर द थिंग्स विच ऑन बेसिस ऑफ दैट वी कैन सेलेक्ट द मॉस्फेट. नाउ पावर डिसिपेशन ऑफ अ मॉस्फेट सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन ऑफ अ मॉस्फेट. सो हियर फार्मूला इज गिवेन लाइक पी टोटल मीन्स टी जे माइनस टी ए वेयर टी जे इज जंक्शन टेम्परेचर माइनस एम्बियंट टेम्परेचर अपॉन आर थीटा जे ए वेयर आर थीटा जे ए इज अ थर्मल रेजिस्टेंस. सो सपोज दिस वैल्यू इज गिवेन आर टी जे इज 175 टी ए इज 25 एंड आर थीटा जे इज 50. सो पावर डिसिपेशन इज 3 वाट. सो वी कैन कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन थ्रू दिस फार्मूला. ओके नाउ हाउ टू कैलकुलेट द ड्रेन करंट. ड्रेन करंट इज अगेन कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स कंटिन्यूअस ड्रेन करंट आई डी पल्स ड्रेन करंट आई डी एम. कंटिन्यूअस ड्रेन करंट आई डी रिप्रेजेंट मॉस्फेट कंटिन्यूअस कंडक्शन करंट एंड कुड बी कैलकुलेट बाय द बिलो इक्वेशन. The data sheet specified maximum continuous current under different operating condition. Now we will see about pulse drain current. IDM represent pulse limit current of MOSFET in safe operating area. The maximum pulse drain current is specified at 4 times of the maximum continuous current drain current. The pulse width increase, the pulse drain current in rating decrease due to the thermal characteristic of the device. So basically
इफ यू वांट टू सी द फार्मूला पी पावर डिसिपेशन आफ्टर पावर डिसिपेशन द फार्मूला पी टोटल इज आई स्क्वायर आई डी स्क्वायर इंटू आर थी आर ओम दैट इज द आर डी एस इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन आई डी इज इक्वल टू अंडर रूट पी डी अपन आर डी एस ऑन एंड दस हाउ वी कैन कैलकुलेट द आई डी करेंट ड्रेन करेंट. In next chapter, we will talk about the gate threshold voltage and other parameter. For now, we just see about what is the MOSFET and what is the types of category of MOSFET. In next chapter, we will discuss about the other parameter.